नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल या लोकल टिकट को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बुक और प्रिंट कैसे करें। अभी भी बहुत से लोगों को मोबाइल से टिकट बुक और प्रिंट करना नहीं आता है। बहुत से लोग मोबाइल से टिकट बुक करने में डरते हैं या उन्हें मोबाइल से टिकट बुक करना नहीं आता है। मोबाइल से टिकट बुक करना और प्रिंट करना बहुत ही आसान है। अगर आप अपने मोबाइल से टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टिकट बुक करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल नंबर और आधार। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करें UTS और इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। रजिस्टर करने के लिए अपने आधार और मोबाइल नंबर का यूज़ करें। आप जब भी टिकट बुक करें तो अपने मोबाइल में लोकेशन को इनेबल करना ना भूलें। लोकेशन को एक्टिव या इनेबल करना जरूरी है। टिकट बुक करने के लिए ऐप को ओपन करें। ऐप ओपन होने के बाद में लॉगिन बटन पर टैप करें और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देने के बाद में लॉगिन पर टैप करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस ऐप से आप पेपरलेस टिकट बुक कर सकते हैं और पेपर टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरह से इसका यूज़ करना देखेंगे। तो चलिए, अब टिकट बुक करने के लिए सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है बुक टिकट, इस पर हम टैप करते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं चार ऑप्शन। तो हम जो प्लेटफॉर्म टिकट है, पहले हम इस प्लेटफॉर्म टिकट को बुक करेंगे। तो चलिए प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं। तो हमें पेपरलेस टिकट बुक करना है, तो इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्टेशन नेम कोड। तो यहाँ पर आप स्टेशन का नाम फिल कर सकते हैं या फिर कोड को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है पर्सन का। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 और 4, मैक्सिमम 4 टिकट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट जो सेट है उसी को सेट रहने देंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें, वो है पेमेंट टाइप। तो यहाँ पर आप पेमेंट टाइप में आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो जो UTS का जो वॉलेट है उसको भी आप टॉप अप कर सकते हैं। तो मेरे वॉलेट में पहले से बैलेंस है, इसलिए हम बुक टिकट पर टैप करते हैं। टिकट बुक हो चुका है। अगर TT आपसे टिकट मांगता है तो आप उसको टिकट को शो करा सकते हैं, उसे आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो बुक टिकट, इस पर आपको टैप करना होगा। जैसे ही शो बुक टिकट पे टैप किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो टिकट था वो यहाँ पे शो हो गया है। चलिए आप पेपर टिकट को भी एक बार ही बुक करके देख लेते हैं। पेपर टिकट बुक करने के लिए भी आपको पहले ही ऑप्शन पर टैप करना होगा। इस बार आपको नॉर्मल बुकिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। और यहाँ पर अब इस बार हमें सेकंड ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको अपना सोर्स स्टेशन का नाम टाइप कर देना है या आप शॉर्ट कोड भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सोर्स स्टेशन को टाइप कर देते हैं। और सोर्स स्टेशन टाइप करने के बाद में अब आपको डेस्टिनेशन स्टेशन को भी यहाँ पे टाइप करना होगा। तो चलिए उसे भी हम टाइप कर देते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन टाइप करने के बाद में
अब आपको डन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपको एडल्ट में आप टिकट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही चाइल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट है। अगर आपके साथ में 1 या 2 चाइल्ड हैं तो उसको आप वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टिकट टाइप में आपको कुछ नहीं करना है। ट्रेन टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑर्डिनरी, मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट। तो इसमें से आप जो भी ट्रेन में आप जाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी वाले को ही सेलेक्ट रहने दूंगा। क्लास में आपको कुछ भी नहीं करना है। पेमेंट टाइप में आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। आप चाहें तो यूटीएस के वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उसे टॉप अप करना होगा। तो हम यहाँ पर जो यूटीएस का जो वॉलेट है उसी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वॉलेट में बैलेंस है। चलिए ओके पर टैप करते हैं। ओके पर टैप करते ही आपके टिकट का जो टोटल फेयर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए बुक टिकट पर टैप करते हैं। जैसे ही आप बुक टिकट पर टैप करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने अपने यूटीएस ऐप के साथ में रजिस्टर किया है उस पर आपको एक एसएमएस मिलेगा, जिसमें आपके टिकट की डिटेल आपको शो होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं, एडल्ट यहाँ पे 1 दिखा रहा है और चाइल्ड इसमें 0 दिखा रहा है। तो इसमें दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक का आपका टिकट है, और इसमें डेट, टाइम और फेयर इसमें आपको शो हो रहा है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बुकिंग आईडी भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये 3 डिजिट की होती है बुकिंग आईडी। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेशन जाना है और टिकट वेंडिंग मशीन पर एक ऑप्शन दिया रहता है प्रिंट मोबाइल टिकट, उस पर आप टैप करेंगे। टैप करते ही आपको अगली स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर और जो आपकी बुकिंग आईडी है ये आपको वहाँ पर टाइप कर देनी है, और सबमिट पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपका टिकट प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। आप पेपरलेस और पेपर टिकट दोनों का यूज़ इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।